Hey beauties, welcome back to my channel Fashion Sense. This is भावना शर्मा. So friends, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे आउटफिट्स जो कि आप आने वाले अपने रक्षाबंधन पर पहन सकते हैं. So yes, आज का वीडियो जो है वो होने वाला है रक्षाबंधन स्पेशल. So आज के वीडियो में ना मैंने कुछ आउटफिट्स पिक किए हैं मिंत्रा से और एक आउटफिट जो है इसमें वो मैंने पिक किया है फ्लिपकार्ट से. इन सभी के सभी आउटफिट्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी आउटफिट पसंद आता है और आप रक्षाबंधन पर उसे पहनना चाहती हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकती हैं. सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने भी आउटफिट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ उसके कुछ रील्स जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी बनाती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालती हूँ. सो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जस्ट इन केस अगर आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं देन थैंक यू सो मच. इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप टू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट आउटफिट कम्स फ्रॉम द ब्रांड ऑफ अनूक. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा एक फेवरेट ब्रांड है और अपने वीडियो की शुरुआत में मोस्टली इसी ब्रांड से करती हूँ. सो यस, आज का जो आउटफिट है वो है अनूक ब्रांड. और ये जो कुर्ता सेट है ये मैंने खरीदा है मिंत्रा से. सो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती और ये है इसका प्लाजो. सो सबसे पहले मैं आपको ये कुर्ती दिखा देती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर जो है इसमें दे रखा है. और ये जो कुर्ती है ये आपको मिलती है प्रिंटेड. इसमें आपको इस तरह से जो है छोटी छोटी जो है बूटियाँ मिलेंगी फ्रंट एंड बैक. काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल जो है इसमें प्रिंट्स बने हुए हैं. सो कॉपर फॉइल के इसमें प्रिंट्स यूज़ कर रखे हैं. और नेक की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये हॉल्टर नेक में मिलेगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. फ्रंट में इस तरह से आपको जो है प्लीट्स भी मिलेंगी इस कुर्ती में. और इस तरह से इन्होंने गोटा पट्टी का काम भी इस कुर्ती में कर रखा है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. तो पहनने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगी. फ्रंट में जो है ये बटन्स लगा रखे हैं विच इज़ नॉट ओपनेबल. ये खुलते नहीं हैं, बस शो के लिए हैं. और इस तरह से गोल्डन बटन जो है इन्होंने कुर्ती में यूज़ कर रखे हैं फ्रंट में. बैक साइड से भी आपको कुछ प्लीट्स मिलेंगी इसमें. बाय द वे जो मेरा साइज है वो है M. और सिर्फ नेक में ही इन्होंने ऊपर गोटा पट्टी का काम कर रखा है, बाकी नीचे आपको कुछ भी गोटा पट्टी का काम नहीं मिलेगा. ए लाइन शेप में आपको ये कुर्ती मिलेगी अबव नी लेंथ. इफ़ आई टॉक अबाउट दी फैब्रिक ऑफ दिस कुर्ती सेट तो ये आपको विस्कॉस यॉन में मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. सो यस, ये वाला जो आउटफिट है ना ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने रक्षाबंधन पे. बहुत ही ज़्यादा डिसेंट कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है. सो अगर मैं इसकी प्लाजो की बात करूँ तो प्लाजो भी अगेन आपको प्रिंटेड मिलेगी. जैसे कि कुर्ती में कॉपर फॉइल का काम किया गया था वैसा ही प्रिंट जो है इन्होंने इस कुर्ती में प्लाजो में भी यूज़ किया हुआ है. वेस्ट में जो है आपको इस तरह से इलास्टिक बैंड मिलेगा और अच्छा खासा जो है फ्लेयर इस प्लाजो में है. खुली डुली काफ़ी मतलब प्लाजो है. सो गाइज, अगर आपको ये आउटफिट पसंद आ रहा है तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा. सो द नेक्स्ट आउटफिट कम्स फ्रॉम द ब्रांड ऑफ हेयर एंड नाउ. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है जो कि मैंने मिंत्रा से खरीदी है. सो लेट मी शो यू फर्स्ट द कुर्ती. अच्छा, इसमें आपको बाय द वे कुर्ती और एक ब्यूटीफुल सी चुन्नी मिलेगी, इसके अलावा कोई प्लाजो नहीं मिलेगा. तो ये है वो कुर्ती जो कि आप अपने रक्षाबंधन पर पहन सकती हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती है और इसमें आप देख सकते हैं कि चिकनकारी का वर्क कर रखा है. फ्रंट में आपको इस तरह से जो है राउंड नेक मिलेगा. बैक साइड से जो नेक है वो अगेन राउंड में ही है लेकिन थोड़ा सा छोटा रखा गया है, शॉर्ट है. और आगे से जो है थोड़ा डीप रखा गया है. पूरी कुर्ती में ऑल ओवर फ्रंट एंड बैक आपको इस तरह से जो है चिकनकारी का वर्क मिलेगा और एम्ब्रॉयडरी है इसमें बेसिकली चिकनकारी की. बैक साइड में जो है ऊपर की तरफ आपको प्लेन थोड़ा सा मिलेगा कपड़ा, लेकिन बाकी जो नीचे का स्कर्ट है ये सारा का सारा आप देख सकते हैं इसमें कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने काम कर रखा है. और स्लीव्स में भी आपको अच्छा खासा जो है चिकनकारी का वर्क मिलेगा. 3/4 रेगुलर स्लीव जो है इसमें रखी गई हैं.
फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो ये जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिलेगा, और अनारकली शेप में बाय द वे आपको ये जो कुर्ती है मिलेगी। तो कुर्ती में आप देख सकते हैं कि वेस्ट एरिया जो है उसके नीचे जो है आपको इस तरह से प्लीट्स मिलेंगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है फ्लेयर देती हैं। और ये जो बस्ट एरिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने वर्क दिखा रखा है, बहुत ही हैवी वर्क एक्चुअली लगता है पहने हुए। इस कुर्ती के साथ आपको जो है एक सिंपल एंड सोबर सी सॉलिड कलर की ही अगेन चुन्नी मिलती है, लेकिन चुन्नी थोड़ी सी इन्होंने स्टाइलिश बना रखी है, मतलब आप इसे खोल के नहीं ले सकते हैं, कुछ इस तरह से आपने ये चुन्नी लेनी है। और आप देखेंगे कि चुन्नी में ना ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है यानी आपका जो नेक वाला पोर्शन है यहाँ पे अगेन इन्होंने जैसे इस कुर्ती में काम दे रखा है वही सेम एम्ब्रॉयडरी जो है चिकनकारी की इस चुन्नी पे भी दे रखी है, तो कुछ इस तरह से आपने ये चुन्नी लेनी है। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये कुर्ती पहने में, और क्योंकि चुन्नी में आपको कुछ इस तरह का फ्रंट में काम मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको नेक पे कुछ भी पहनने की ज़रूरत है। सो गाइज आपको ना जो बस्ट वाला एरिया है वहाँ पे तो आपको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ जो है अच्छी खासी लाइनिंग दी गई है, तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा, आप बड़े ही आराम से पहन सकते हैं। लेकिन जो स्कर्ट वाला एरिया नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो वेस्ट एरिया से आपकी शुरू हो रहा है ये वाला, इसमें आपको कोई भी लाइनिंग नहीं दी जाती है, तो ये थोड़ा सा सी थ्रू है। सो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप सेम कलर में ही कोई प्लाजो या लेगिंग जो भी आप इसके नीचे पहनना चाहते हैं बॉटम में वो ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वाइट कलर में ही कुछ भी पहन सकते हैं, जैसे प्लाजो पैंट या कोई भी लाइक ट्राउजर्स जो भी आपको ठीक लगी है, या लेगिंग। वैसे मॉडल जो है उसने इसके साथ लेगिंग ही पहनी हुई है, लेकिन आप चाहें तो प्लाजो भी पहन सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इसके नीचे ये पहना हुआ। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है जो कि आप रक्षाबंधन के लिए ट्राई कर सकती हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल था, अराउंड 600 to 700 के बीच में शायद ये कुर्ती मुझे पड़नी थी। और इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे गाइस, जस्ट इन केस आपको ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, वैसे हो नहीं सकता कि ये कलर आपको अच्छा ना लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है बॉटल ग्रीन कलर में। सो आई एम श्योर कि आपको ये कलर पसंद आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा वर्क इस पूरी कुर्ती में है, मतलब ऊपर तो आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल ही रही है वर्टिकल में, और नीचे वाला जो स्कर्ट वाला एरिया है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बॉटम में कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने हैवी वर्क दिखा रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये कुर्ती लगती है। सो इस वाली कुर्ती को भी आप रक्षाबंधन के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसका जो लिंक है गाइज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि अगेन आप अपने रक्षाबंधन के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी वो कुर्ती भी। सेम मैंने जो है कलर उठा रखा है मिंत्रा से ही, और इसका जो ब्रांड है वो है सांगरिया, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इस ब्रांड में भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्तीज़ जो है देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो कुर्ती है ना ये कुर्ती मैंने कॉटन में नहीं उठाई है, ये थोड़ा सा आपको पॉलिएस्टर फैब्रिक में मिलेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कॉटन ब्लेंड फैब्रिक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। कुर्ती में सबसे पहले आपको ये कुर्ती है जो मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद इसके साथ आपको मिलेगा अगेन सॉलिड कलर में ही प्लाजोस। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं प्लाजो दिखाऊंगी। सो ये जो कुर्ती है ये है फ्रॉम द ब्रांड ऑफ सांगरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं अगेन इसमें मेरा जो साइज है वो है मीडियम। और इस कुर्ती में ना आप देखेंगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं है, मतलब सॉलिड ग्रीन कलर की आपको कुर्ती मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ये कुर्ती कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जस्ट बिकॉज इसमें जो इन्होंने ये बॉर्डर यूज़ कर रखा है, ये जो नेक है ये थोड़ा सा डिफरेंट बना रखा है, काफ़ी डीप आपको देखेंगे वी नेक इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और उसमें इन्होंने इतना ब्यूटीफुल सा जो है बॉर्डर दे रखा है। साथ में आपको स्लीव्स में भी बॉर्डर मिलेंगे, और 3/4 जो है रेगुलर स्लीव्स इसमें आपको मिलेंगी, और इस तरह से इसमें भी इन्होंने जो है आपको बॉर्डर दे रखा है। बाकी पूरी कुर्ती जो है सॉलिड है, सिंपल है, ए लाइन शेप में आपको कुर्ती मिलेगी ये। इसके साथ आपको मिलता है सॉलिड ग्रीन कलर का ये प्लाजो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्लाजो में इस तरह से इलास्टिकेट बैंड दिया गया है जो आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आराम से एडजस्ट हो जाएगा, लेंथ आराम से जो है इसकी आपको एंकल लेंथ तक आएगी, इवन जो कुर्ती है वो भी काफ लेंथ तक आएगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। इसका जो प्राइस है गाइज वो मुझे
1000 से थोड़ा सा ऊपर ही पड़ गया था, आई थिंक 1100 के आसपास ये कुर्ती मुझे पड़ गई थी। बट अगेन प्राइस जो है आपको पता है ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिलहाल मुझे ये 1100 के आसपास पड़ गई थी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, अगर आपको इस कुर्ती में इन्वेस्ट करना है, ये कुर्ती आपको अगर पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि रक्षाबंधन पे कुछ इस तरह का स्टाइल आप करें, इस तरह की कोई कुर्ती आप ट्राई करना चाहती हैं, तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आउटफिट जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस है, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है और ये है आपकी जे ब्रांड से बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस। इसमें आपको इस तरह से जो है शोल्डर स्ट्रैप्स मिलेंगे विच इज एडजस्टेबल, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वाइट और थोड़ा सा इसमें आई थिंक इन्होंने कॉपर का कलर यूज़ कर रखा है और अगेन ब्लू कलर है, उस इस तरह के कलर्स को यूज़ करके इन्होंने प्रिंट बना रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये कुर्ती। लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है एक्चुअली ये, और इसे भी आप चाहें तो आराम से अपने रक्षाबंधन के लिए ट्राई कर सकती हैं, जस्ट इन केस अगर आप सूट वगैरह पहनने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं तो आप लॉन्ग मैक्सी ड्रेस में भी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने ये आउटफिट जो है चूज़ किया है। इसे बाय द वे आप सूट की तरह भी पहन सकती हैं, नीचे कोई लेगिंग या प्लाजो लेके ऊपर से कोई चुन्नी लेके, तो ये एक प्रॉपर सूट भी बन जाएगा। और अगर आपने सूट की तरह नहीं पहनना है तो इसे आप एक एथनिक ड्रेस की तरह भी पहन सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ड्रेस है और इसके फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये आपको विस्कॉस रेयॉन में मिलेगा, जो कि अगेन बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। सो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो आराम से आपको ये एंकल लेंथ तक आएगा, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है एक्चुअली ये, तो आराम से आपको एंकल लेंथ तक आएगी। इसमें बाय द वे आपको अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं मिलेगी, इवन फैब्रिक थोड़ा सा थिक है तो सी थ्रू नहीं है एक्चुअली ये ड्रेस, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसके नीचे आप चाहे तो कोई अंडरस्कर्ट पहन सकती हैं। इसके अलावा मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ गाइस, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेस नहीं है, अराउंड 500 के आसपास ये मुझे फ्लिपकार्ट से पड़ गई थी। सो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ड्रेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है पहनी हुई। साइड में मैं आप लोगों को वैसे अपने आउटफिट्स जो है वो ट्राई ऑन करके दिखा रही हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको ऐसे ये ड्रेस समझ में नहीं आ रही है तो पहन कर थोड़ा जस्ट आइडिया लग जाता है कि ये ड्रेस जो है आपके ऊपर कैसे लगेगी। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ रही है तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो ब्यूटीज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आउटफिट्स पसंद आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी आउटफिट आपको पसंद आया है तो जल्दी से उसे बाय कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है स्टॉक निकल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि रक्षाबंधन आ रहा है तो सारे के सारे जो है वो धड़ाधड़ शॉपिंग करने में लगे हुए हैं, कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, कोई अपने लिए परचेज कर रहा है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी आउटफिट पसंद आ रहा है तो जल्दी से उसे जो है आप खरीद लीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। एंड मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आउटफिट जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और गाइज, मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, अगेन रक्षाबंधन स्पेशल वो वीडियो होने वाला है। सो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।